चाहत खन्ना को भला कौन नहीं जानता है। मशहूर टीवी एक्ट्रेस हैं, जो कि बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे शो का हिस्सा रही हैं। इस वक्त उनको लेकर चर्चा है और उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड को लेकर कई तरह के आरोप लगाए हैं। चाहत के पूर्व पति का नाम फरहान मिर्जा है और उनका आरोप है कि धर्म बदलने के लिए उनका ब्रेन वॉश किया गया था। फरहान मिर्जा मुस्लिम है और खबरें हैं कि वो चाहते थे कि चाहत खन्ना भी अपने धर्म बदल ले। चाहत ने फरहान मिर्जा से शादी के बाद धर्म परिवर्तन को लेकर बात की है, जिसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने अपनी शादी और तलाक को लेकर उनसे पूछा गया था कि क्या शादी के बाद धर्म को लेकर उनका ब्रेन वॉश किया गया था। इस पर चाहत ने जवाब दिया, एक तरह से इसको लेकर मैं हाँ कहूँगी, लेकिन शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं अपने घर वापस आ चुकी हूँ। चाहत ने खुलासा करते हुए कहा था कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ काफी लोग थे, लेकिन मैंने ये फैसला इसलिए लिया था क्योंकि मुझे निकाह करना था। मुझे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं किया गया था, लेकिन मैंने खुद किया। लेकिन बाद में मुझसे कहा गया था कि अपने भगवान की पूजा मत करो, शायद यह सही तरीका नहीं है। यह सही तरीका है और मैं एक खोया हुआ बच्चा होने के नाते उस रास्ते पर चला गया। मुझे लगता है कि यह ठीक था, यह उतना बुरा नहीं था। चाहत का ये बयान अब खबरों का हिस्सा है। चाहत खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत महज 16 साल की उम्र में की थी। उनको एक विज्ञापन मिला था, इसके बाद वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गई थी। इस वक्त उनको सभी जानते हैं और अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।